हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। तो बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि चाहे खबरदार हो या मज़ाकरात, सब पहुंचेगा आपकी न्यूज फीड में। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गुड मॉर्निंग, मैं हिक्ती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। आज जो है मौसम इतना खूबसूरत है, मुझे वैसे ही ओवरकास्ट दिन जो होते हैं जिसमें बादल छाए हुए होते हैं, ऊपर से ठंड माहौल भी हो इतना ज़्यादा है, इतनी सर्दी भी हो और आप सुबह जाएं, वैसे कुछ लोग जो है वो एकदम से ग्लूमी हो जाते हैं, कहते हैं मौसम का असर होता है आपके मूड पे। तो जब इस तरह का मौसम हो, सुबह सन नहीं है और ग्लूमी सा, हाँ ऐसा ये आवाज़ आ रही है, ऐसा मौसम हो तो कुछ लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे इतना पसंद है ये उदास दुमा मौसम, बारिश मुझे इतनी पसंद है। और कुछ लोग कहते हैं कि जो लंदन में जाके रहता है कुछ अरसे के लिए, उसको कदर आ जाती है कि धूप क्या होती है, क्योंकि हर वक्त वहाँ बारिश हो रही होती है। और ये बात कुछ हद तक सच है, क्योंकि मैं आई थिंक सो हफ्ता डेढ़ वहाँ पर थी और फिर हम तरस गए थे कि प्लीज़ थोड़ी सी धूप निकल आए, क्योंकि वाकई इससे आपके इमोशंस और आपका जो जहन है, ये सब चीज़ें साथ साथ इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती हूँ। चलो सबसे पहले मेरी बहुत फेवरेट, आप सबकी बहुत फेवरेट, हमारी बहुत ही मारूफ अदाकारा जिन्होंने थिएटर भी किया 12 साल, उसके बाद कराची में जो है उन्होंने बहुत सारे ड्रामास किए हैं, मूवीज़ में भी हमें वो नज़र आई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सारे कैरेक्टर्स निभाती हैं। हमारे साथ होंगी ज़ेबा शहनाज, उनको मैं बुलाऊंगी, थोड़ी सी हम लोग ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं और आज वो फैट ब्लास्टर एक्सरसाइज, हाउ टू ब्लास्ट ऑफ ऑल द फैट ऑन योर बॉडी, ये एक्सरसाइज कराने जा रही हैं। और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ सिंगर हैं अली शेर साहब, आइए प्लीज़, आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, वीकेंड था एक लंबा सा, तो आज मैंने कहा हम लोग थोड़ा सा क्या किस से स्टार्ट करने जा रहे हैं शो। जी वैन आवाज इन सारे गा पा, मैंने वहाँ एक खान साहब नुसरत का गाना तेरे बिना रोगी हुए पैसे नैन, वो मैंने गाया और बचाता हूँ आज उससे। बिफोर वी बिगिन मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि सारे गा पा में इनको स्पेशली ऋतिक रोशन ने जो है, बिकॉज यू सैंग सो वेल, जो है एक लाख है ना, 1 लाख का चेक अलग से दिया था, एंड देन यू डांस्ड विद उनकी एक मारूफ अदाकारा भी, और करीना कपूर बिल्कुल, और वहाँ पे जो है इन्होंने हिस्सा लिया, सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम कि इन्होंने पाकिस्तान को जो है वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया, और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, मैं चाहूंगी कि सब जो है उससे लुत्फानंदोज हो सके। तो आज का शो स्टार्ट करें फिर आपके ही गाने से प्लीज। बहुत जबरदस्त है आपने, मैं पता तो मुझे था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, सुना भी था मैंने बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग लाइव आके भी उतना ही जबरदस्त निभा जाए, बहुत 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 आपने जबरदस्त, आपको हम जाने नहीं दे रहे, अभी इजाजत नहीं देंगे, हम आपसे और भी कुछ सुनना चाहेंगे अभी, लेकिन टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया किरण ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या करने जा रहे हैं आज? कहता फैट ब्लास्टर। फैट ब्लास्टर, तो इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी से फैट आपका जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल वही, मतलब ब्लास्ट मतलब जो मतलब यू नो उधर जाएगा, इतना फैट है ना वो बिल्कुल आपको, तो इंटेंस एक्सरसाइज है स्टिल, ये इंटेंस वर्कआउट है, और ये भी है कि आप बिगिनर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बिगिनर में है जो उस्ताद, मतलब तकरीबन नून का 3 वीक्स ऑलमोस्ट हो चुका है, जो एंड ऑफ द वीक हमने एक दफे दोबारा से मतलब वो जो जर्क वाला है, तो अगर आप फुल वीक एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो आखिरी दिन होता है एक्सरसाइज का, उस पे आप जो है ये कर लो, चीट मील के या चीट डे से पहले जो है एक ब्लास्टर करके, उसके बाद फिर आपने चीट मील करना है। अच्छा, चीट डे और चीट मील का मैं जरा फोकस करती हूँ कि आज काफी लोग ये समझते हैं कि चीट डे होते हैं और पूरा दिन वो अपना चीट करते हैं, खाते रहते हैं, दिस इज वो बहुत रॉन्ग है। सो आप ये है कि चीट मील जब ना, मतलब पूरे
सिर्फ लंच वाला जो दिन है वो आपने रूटीन से करना है, चेंज करना है, ठीक है। और इसी तरह वर्कआउट भी ऐसे ही है कि आपने जब आपने मतलब जर्क देना है या आपको थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट करती है तो उसका भी ऐसे ही होता है कि आपने पूरा दिन मतलब हर नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना, थोड़ा थोड़ा करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, लेट्स गो। यस बिल्कुल शाम, ओके। इसमें टोटल 5 to 6 एक्सरसाइज है, ठीक है। आपने 5 to 2 एक्सरसाइज के बीच में आपने बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, ना इवन वह 10 सेकेंड भी आपने रेस्ट नहीं लेना है, थ्रू आउट आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। आफ्टर जो 5 एक्सरसाइज जो फिनिश्ड हुए हैं उसके बाद आपने तकरीबन 1 मिनट आपने रेस्ट लेना है। फिर इसका 3 राउंड है, 3 राउंड के बाद पहला फर्स्ट राउंड जो है वो आपने 1 मिनट रेस्ट लेना है, सेकेंड राउंड में आपने 2 मिनट राउंड रहना है, थर्ड राउंड में आपने ऑफकोर्स आपने तकरीबन 5 मिनट राउंड रह के फिर उसके बाद आपने करना है कूल डाउन, या आपने ऐसा करना है कि फिर आपने थोड़ा सा जो ऑलमोस्ट एक कार्डियो जो बचे हैं अगर आप जिम में हैं या आपके पास ट्रेडमिल है तो आपने तकरीबन 10 मिनट ट्रेडमिल कर दीजिएगा, पहले ये वर्कआउट करके उसके बाद आपने ट्रेडमिल करना है, ठीक है। डन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी तो ये है लेकिन आपने अगर जिम में है, अगेन आपको बता रहा हूँ ज़रा जो है ना वो जो डंबल है वो थोड़ा सा हैवी लेना है, ऑलमोस्ट 5 kg का डंबल आपके पास होने चाहिए। कैटलबेल है, मैं आपको इंशाल्लाह लेके आऊँगी, कैटलबेल देखूँगी, लेकिन अगर अभी आपके पास डंबल है लेकिन 5 kg का डंबल लेना, ठीक है। सो आपने 5 kg का डंबल लेके और आपने स्क्वाट नहीं करना है, आपने करना है गॉबलेट स्क्वाट्स, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्क्वाट एंड गॉबलेट स्क्वाट्स? गॉबलेट स्क्वाट्स में ये डिफरेंस है कि आपके जो एल्बो है वो बिल्कुल आपकी दोनों नी के को टच करने चाहिए और साथ अपना जो वेट है ना वो जो आप लाइक दिस इसको यू पकड़ना होता है, ओके सही है। मैं आपको तरीका अब करवा दूंगी लेकिन आपने पहले समझना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्क्वाट्स या रेगुलर स्क्वाट्स या आपके जो गॉबलेट स्क्वाट्स है वो क्या है। गॉबलेट स्क्वाट्स प्लीज़ आपका जो दोनों हाथ है वो आपने ऐसे पकड़ना है और आपकी जो वेट है ना वेट को भी आपने इस पोजिशन में आपने पकड़ना है लाइक दिस, ठीक है। या गो डाउन, फुल डाउन होना था, ठीक है। देखिए मेरा दोनों एल्बो हैंड मेरे नी दोनों आपस में मिल रही हैं, जो मेरे नी है वो आगे नहीं आ रहा, फिर उतर रही हूँ फिर वापस जा रही हूँ, बिल्कुल ओके। आपने ये करना है 15 सही डाउन एंड अप, फुल बैठना है, बैठना है तकरीबन 10 सेकेंड आपने और रखना है, ठीक है। 1 2 फिर अप, फिर अप, 15 स्क्वाट या 15 गॉबलेट करना है, उसके बाद आपने यस राइट ओके। अब हमने स्टार्ट करना है बर्पी। बर्पी आपने हर एक्सरसाइज में आपने बर्पी ज़रूर करना है, ठीक है। यस बर्पी, अच्छा देर दो फ्रेंड डिफरेंट बर्पी है, ये पुशअप बर्पी और फुल जंप करना है, ठीक है। मैं बिल्कुल जंप के साथ से आपने करनी है, इसी तरह आपने 10 करना है बर्पी। बर्पी के बाद आपने 4 रन बाद आपने करना है टी पुशअप, ओके। अच्छा ये जो है बिल्कुल ये थोड़ा सा हार्ड कोर करता है तो आपने करना है ये लाइक दिस पुशअप होल्ड 1 सेकेंड डन हर एक्सरसाइज में और हर अपने पोज में आपने 10 सेकेंड होल्ड रखना होता है, ओके। देन अगेन आपने करना है बर्पी, 10 बर्पी, ओके राइट यस।
मैं जैसे हाफ बिल्कुल फुल पुशअप के साथ और फुल जंप करती हूँ, इसी तरह आपने करना है। ओके, अब आगे हम लंज के साथ, साइड लंज। लंज में आपने साइड लंज करते हैं, ठीक है, डन। ओके, नाउ दूसरा 10 हिच आपने पहले रफ लेना, पहले स्ट्रेट पे जाना है। ओके राइट, ओके अगेन आपने 10 बर्पी करना, 10 बर्पी के बाद आपने करना है वन हैंड स्विंग, और डंबल जो है आपने रखना है थोड़ा सा हैवी। अब आपने डंबल लेना है तकरीबन 5 kg, यस, या 3 kg। ओके, एक डंबल हाथ से रखना है, दूसरे आपने करना है स्विंग, यस राइट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप। ओके, और फुल अपने हिप को करना है आउट, बिल्कुल डाउन। ओके, देन अगेन आपने करना है बर्पी, बर्पी के बाद सिर्फ एक ही प्लैंक करना है। प्लैंक आपको मैंने पहले भी बताया है, आपने करना है प्लैंक, प्लैंक के बाद ये फिनिश हो जाते हैं, फिनिश करके फिर आपने दूसरी राउंड करना है, ठीक है। तो आपने ये पूरा आपका एक राउंड है, इसके एंड में आपने प्लैंक करना है, प्लैंक के बाद दोबारा ये सारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। यस, थैंक यू सो मच केन फॉर बीइंग विद अस। छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक के बाद आप सारे Amazing. मेरे साथ है इस वक्त मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट अदाकारा, आप सबकी बहुत फेवरेट अदाकारा। शी इज़ डन वंडरफुल जॉब ऑफ एक्टिंग, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो सीरियस रोल्स हो। स्टार्ट किया इन्होंने थिएटर से 12 इयर्स इन कराची, उसके बाद 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिल्म्स में। थिएटर से नहीं स्टार्ट किया, थिएटर भी किया, टेलीविजन से, लेकिन थिएटर भी किया है फॉर 12 ईयर। 11 फिल्म्स में भी जो इन्होंने काम किया, और एक बड़े मजे का जो फैक्ट है, 50-50 जो ड्रामा था उसमें इनके 150 से ज़्यादा गेटअप्स जो है वो किए थे, एंड एवरी गेटअप वॉज डन सुपर 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 बाय। मेरी तरह पख्तून फैमिली से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी और ए प्लस के रेफरेंस से इस वक्त पूरे पाकिस्तान को मेरा बहुत प्यार, और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, और आज तो इस्लामाबाद का मौसम इतना अच्छा है, मुझे लग रहा है मेरे आने से हो गया है ना। बस देखिए वो क्या क्या घटा छा गई, मरी तो कह रहा है बर्फ गिरने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इतना पसंद है ऐसा मौसम जो बारिश वाला। मेरा भी बहुत फेवरेट है ना, क्योंकि मैं ज्यादातर अब अपनी फैमिली के साथ लंदन रहती हूँ, मेरे घर वाले जो है वो कहते हैं नहीं हमें धूप चाहिए, और मैं चूंकि ज्यादा पाकिस्तान जिंदगी गुजारी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ बिल्कुल बादल छाए हो। बिल्कुल अच्छा, यही बात मैंने शुरू में की थी, मैंने कहा लोग कहते हैं कि लंदन में जो ज्यादा देर रह ले फिर उसको कदर आ जाती है धूप की, धूप की, लेकिन हम लोगों ने इतनी गर्मी देखी है कि हम कहते हैं बस ठीक है जी, ना ही हो धूप तो अभी सर्दियों में वहाँ 3 बजे शाम हो जाएगी तो मुझे इतना अच्छा लगता है, शाम हो गई अंधेरा हो गया बहुत अच्छा, तो वो लोग नहीं पसंद करते, वो लोग नहीं पसंद कहते हैं नहीं यार हमारा सारा दिन ही नहीं है, 3 बजे रात हो गई। अच्छा, अब आपकी रिहाइश वहीं पर है? तकरीबन ज्यादा वहाँ बहन भाइयों के साथ रह रही हूँ, लेकिन रहती पाकिस्तान में ही हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त ज्यादा उधर गुजरता रहता है जो बीच में हाँ ब्रेक होता है तो ज्यादा मैं वहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, ये थिएटर की अभी बात हुई, मैं यूजुअली जब मुझसे कोई थिएटर का कहता है 12 साल थिएटर के, तो मुझे लगता है शायद शुरू थिएटर से हुआ। नहीं, मैंने शुरू टेलीविजन 50-50 ही से किया। अच्छा, 1980s में मैंने 50-50 किया, और उस वक्त मैं स्कूल में थी। अच्छा, मैट्रिक का एग्जाम वहीं दिया। अच्छा, मतलब खाके भी रिकॉर्ड करवा रहे, तो उसमें एक दफा बड़ी मजे की बात हुई कि मेरा बैग जो है मैं साथ लेकर आती थी। अच्छा। तो वो पेपर के लिए जाहिर तैयारी हो रही होती थी कि भाई पेपर, अच्छा, पढ़ाई भी साथ पढ़ाई भी होती थी, फिर वो आवाज़ दी जाती थी चलो भाई जल्दी आओ वो वाला खाका हो रहा है। तो ये जो बेटी मानो वाला खाका अभी आप देख रहे थे, ऐसे खाके की रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग हम एक दिन सुबह 9 बजे आते थे, तो अगले दिन सुबह 9 तक रिकॉर्डिंग करते थे 24 आवर्स कंटिन्यू। हाँ,
तो मैं अपना पढ़ रही थी, वो मेरी किताबें वहाँ पे रखी रह गई मेकअप में, कहने लगे कि जल्दी आएँ, चार बज रहे थे कि जल्दी आएँ, खाका रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अपनी किताबें यूँ ही छोड़ के चली गई। वहाँ थोड़ा हम लेट हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया कैमरों की मैचिंग, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न में तीन कैमरे होते हैं, कट वाला पॉइंट नहीं है, सब एक साथ एक साथ, हाँ जो है, तो इसीलिए एक्सप्रेशन बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो जाते हैं उसमें, ये नहीं होता कि अभी फिर वही करें, एक जो कर दिया कर दिया। खैर वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं रिकॉर्डिंग से वापस आई तो मैंने देखा मेरी किताबें ही नहीं, मेरा बैग ही नहीं है। तो मैंने बड़ा चीखना शुरू कर दिया कि शुएब भाई मेरी किताबें कहाँ कहाँ। अब वहाँ से अशरफ भाई भी भागे हुआ है, इस्माइल भाई भी आ रहे, माजिद भाई, सब मेरी किताबें ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है, मेरा बैग ही नहीं है। oh, no. तो एकदम से अशरफ भाई के दिमाग में ये आया, कहने लगे यार ये सफाई हुई हुई है, पता करो ये सफाई किसने की है। अब वो सफाई वाले को ढूंढा गया, उसको आधा घंटे बाद वो बड़ा मुस्कुराता हुआ, मुंह में फान रखे, सिगरेट के कश लेता हुआ, टहलता हुआ पीटीवी के गेट से आ रहा है। उससे कहा कि जी आपने सफाई जी, कहने लगे यहाँ किताबें थी, कहने लगा हाँ वो थोड़ा कचरा फैला हुआ था वो तो मैं उठा लिया। कचरा, उसने वो सारी किताबें, पाकिस्तान टेलीविजन के सामने लियाकत हॉस्पिटल है उसके सामने एक पान वाला खड़ा होता है, उसको सारा मेरा बैग बेच दिया 80 रुपए में। और एग्जाम था अगले दिन। वो नहीं, डालडा के कटे हुए डब्बे, उसमें उसमें सारी मेरी किताबें कॉपियां डाली हुई, और अब हम भागते हुए वहां गए। अच्छा। उसको 100 रुपए दे के वो मेरी किताब और उसके कई सफे फाड़ के वो पान दे भी चुका था। शाबाश। अच्छा, उसने वो पान के लिए इस्तेमाल कर पान के लिए, जाहिर है वो पान के लिए उसको दे दिए उसने। और ये मेरे साथ एक अजीब लेकिन बड़ा मैं रोई क्योंकि तो ये भी होता है। देखे कितने मजे की बात है। थिएटर की तरफ किस तरह पहले इससे स्टार्ट किया? एक्चुअली जब मैं टीवी कर रही थी तो शायद मेरे में कुछ इतना टैलेंट था कि मोइन भाई ने मुझे जो है वो ऑफर किया। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बू मुझे इजाजत नहीं देंगे। टेलीविजन भी मेरे को एक ऐसे इत्तेफाक से काम मिला कि अब्बू खफा भी थे कि क्यों, अच्छा मतलब कि नहीं उन वो बीमार थे। माँ शुएब भाई आए, मुझे 50-50 की ऑफर की। तो चूंकि मैं एज ए स्टूडेंट बहुत एक्टिव थी, बहुत सारी चीजों पे शिरकत करती थी। उनको कैसे पता चला आपके बारे में कि मतलब मैं इनको कास्ट करूँ? उन्होंने मुझे 9th क्लास का जो फेवरल नहीं होता, 10th को जो देते हैं, उसमें वो हमारे आए थे स्कूल में। तो वहाँ पे जाहिर है मैं एक बच्ची का किरदार मैंने किया था, तो वहाँ ये था कि जी फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। अच्छा, वो आए थे और मोहसिन अली साहब आए थे, ये बहुत बड़े नाम पाकिस्तान टेलीविजन के, ये दोनों आए थे। और मैंने जब फर्स्ट प्राइज लिया तो उनके दिमाग में था कि दो पोनी बांधी हुई एक गोल पटोल सी बच्ची है उसको ढूंढे। तो जब ढूंढते ढूंढते वो मेरे अब्बू शरानिया हॉस्पिटल है कराची में, वहाँ एडमिट थे, वो हॉस्पिटल आ गए। तो बाबा ये समझे कि शायद है ना कोई मतलब है स्टूडेंट का कोई है, उन्होंने ज्यादा उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है जॉब कर लो। अच्छा। वो मैं जब कर रही थी, बाबा जब घर आए हैं तो मैं वहाँ उस वक्त तक 2 हफ्ते की रिकॉर्डिंग कर चुकी थी। अच्छा। तो अम्मी से कहने माली ने कहा कि छोटी बीबी के लिए गाड़ी आई है भेजें बाहर। अच्छा। तो अबू ने कहा ये सुबह सुबह कौन सी गाड़ी आई है, किसकी गाड़ी? अम्मी ने कहा वो टेलीविजन की जो आपने इजाजत दी थी। कहने मैंने इजाजत दी थी? जब वो मैं अंदर से आई तो मुझे कहते हैं कि भाई एक बड़ा सख्त लफ्ज का, कहने लगे मैंने ये बनने के लिए नहीं तुम्हें कहा था, तो जो तुम समझ सकते हो पश्तून जो है। मैंने कहा नहीं आपने इजाजत दी थी, प्रोग्राम वही है जिसकी इजाजत, वो 13 टाइम होगा। मैं इतनी बोल्ड थी। अच्छा। उस वक्त पता नहीं कैसा कॉन्फिडेंस था। तो वो चुप हो गए ना, बिल्कुल लाजवाब हो गए। मैंने कहा प्रोग्राम वही है जिसकी आपने इजाजत दी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया वो 13 टाइम रिकॉर्डिंग। कहने लगे जाओ दफा हो जाओ कर लो। डोंट डू इट। अच्छा। उनको नहीं पता था वो ऐसी दफा हुई मैं कि अभी तक दफा ही। लेकिन व्हाट अ वंडरफुल करियर यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ। मैं तो अप्रिशिएट ही करूंगी। पता नहीं कहते हैं ना जिंदगी में इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो बस मेरे बाबा की तो ख्वाहिश थी कि मैं लेडी डॉक्टर बनूं। अच्छा। क्योंकि ये सब पठान पेरेंट्स की होती है मुझे लगता है। मेरे उसकी वजह बताऊं तुम्हें? उसकी वजह पता है वो? उसकी वजह नहीं पता, क्योंकि हमारे जो पश्तून लोग हैं वो अपनी खवातीन को जो है किसी जेंट्स डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत इस्तेनाब करते हैं। तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटी को बनाए डॉक्टर, ताकि ये उस फैमिलीज की वो खिदमत करें कि बेटियां हैं तो इनको मरीज आए देखें। हाँ। इनको जो है वो ना प्रॉब्लम हो जो मर्दों का होता है। और ऐसी कई हमारी खवातीन आपको पता है गायनी वाले में और उसमें अगर लेडी नहीं हो तो कभी नहीं जाने देते नहीं और वो इस तरह लड़कियां मर जाती है। मैं कहती हूँ ये उनसे तो बेहतर है ना जो पहले अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते और फिर लेडी डॉक्टर ढूंढ। मैं खुद उसकी मिसाल हूँ कि वाहिद एक बच्ची थी जो पढ़ रही थी और
मेरे पापा ने बहुत फाइट की मेरे लिए कि नहीं इसको मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, और इसी तरह और बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, मुखालफतें थी कि बस बहुत नहीं, बेटी को इतना नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, देखिए बेटों को पढ़ाएं, बेटी को नहीं। अच्छा, मैं कहती हूँ मतलब जमाना गुजर गया लेकिन अभी भी जो है रिजर्वेशंस वही हैं, अभी भी हम यही बहस कर रहे हैं कि पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। देखो, जो अपने कल्चर जो माहौल है, मैं कहती हूँ कि कुछ भी आप कर लें, एक तो इस्लामी माशरा हमारा, फिर दूसरा कल्चर माहौल। आप जितनी दूसरों की नकल कर लो, जितनी तकलीद कर लो, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, बीबीसी में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या, कुछ भी कर लो, आपका कल्चर, आपकी ज़िंदगी, आपकी सकाफत आपके साथ है और आप पुरानी रवायतों को नहीं तोड़ सकते। उनकी भी रवायतें और सकाफत होंगी जो लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिसकी भी अगर आप देखें ना, तो पुराने जो लोग हैं उनकी सोच, उनके आइडियाज़ कुछ और होते हैं, कुछ और होते हैं। वो हमेशा आप देखें, फिल्मों में भी यही दिखाते हैं, ड्रामों में भी यही दिखाते हैं कि मुखालफतें ही होती हैं, और वो मुखालफतों का जिनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं बच्चों को, वो मुकाबला करते हैं। कई ये भी होते हैं कि बागी हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज का हमारा जमीर जो है ना, वो बड़ी अच्छी एक छड़ी है, वो आपको बता देता है कि अच्छा ये ठीक है और ये नहीं ठीक है, और आप लड़ते भी सिर्फ उसी चीज के लिए जो आपको अंदर जमीर कह रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है। जैसे पढ़ाई के लिए बेटियां जो होती है ना, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अगर बेटियां समझें तो, क्योंकि कुछ भी कर लें, बेटियां जो होती है वही एक जवाबदेह खानदान के लिए होती है। और माँ बाप को अगर कभी ताना भी दिया जाता है, कभी देखें बेटों का नहीं दिया जाता है, बेटियों का ही। तो मेरा ख्याल है कि हमारी बेटियों को खुद ये सोचना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का एक तरह से प्रेजेंटेशन है, हम अपने माँ बाप की तस्वीर है, और अपने माँ बाप को कभी भी इस तरह ना करें कि कोई एक लफ्ज भी उनको कह दे, क्योंकि माँ बाप जो है उनको जवाबदेह होना पड़े, ये बहुत खतरनाक बात होती है। बिल्कुल, तो बेटियों को ख्याल रखना चाहिए, बेटियों पे माँ बाप को एतमाद करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उनको मजबूत रखना चाहिए, तालीम दिलवाएं, उनकी सोच को अपने साथ लाएं, फिर उनको इतना एतमाद और ताकत दे दें कि वो बाहर निकलें तो वो इतनी मजबूत हों कि किसी की मजाल नहीं हो उनको गलत बात बोलने। इतने खूबसूरत तरीके से आपने इस पूरी बात को समराइज कर दिया। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म भी आजकल चल रहा है, 16th डे के ऊपर ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है, और उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात होती है, और आज भी हम इसके ऊपर आगे बात जरूर करेंगे, हमारे पास गेस्ट भी कुछ आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह आपने इसको समराइज किया कि आपने अपने कल्चर को भी साथ लेकर चलना है, आप माँ बाप की इज्जत भी है और माँ बाप आपको एतमाद में लेकर कुछ भी आगे चले तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत मजे की बात है। फिर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि अभी आपने मेंशन की कि पहले रिकॉर्डिंग किस तरह होती थी, तो जमाना इतना बदला है, तो सब कुछ इतना साथ साथ बदल गए, तो क्या पहले होता था, क्या अब होता है, क्या चेंजेस आए, इन पे भी बात होगी, और हम कुछ मजे मजे के गीत भी साथ सुनेंगे एक छोटी सी ब्रेक में। वेलकम बैक टू मी एक्टिव मॉर्निंग। हमारी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है ना, वो हमेशा ब्रेक में हो रही होती है, है ना, बड़े मज़े की होती है, अनफिल्टर जो है वो गुफ्तगू होती है। उसमें से एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगी आपकी, जो आपने बात की कि नसीब नसीब की बात है, कि नसीब का साथ होना बहुत ज़रूरी है हर हर चीज़ में। जिस तरह कि मैं आपको सिंगर से भी इंट्रोडक्शन कराती हूँ, हमारे अली साहब जो है ये हमें प्रेजेंट कर चुके हैं, एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था सारेगामापा इंडिया। सही जी, और वहाँ पर जो है बहुत अच्छा ये गा कर है, बड़ा पसंद अच्छा किया गया है ना, और अभी हमें कुछ सुनाएंगे भी है जी। बिल्कुल, मैं उससे पहले एक छोटी सी अर्ज करना चाहूँगा। जरूर जरूर जी, मैं आपा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आप यकीन करें इनको हमेशा स्क्रीन पे देखा, और आज सामने ऐसे आज जिंदा देख लिया मैं जिंदा। अल्लाह आपको हमेशा, मौला आपको हयाती खिजर दे, और आपका साया हमारे सरों पर हमेशा, आप हमारा फख्र हैं। और आपने मौसम की बात की, तो मैं चाहता हूँ कि आज एक गाना मैं स्पेशली आपा जी को ही डेडिकेट कर दूँ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अभी साहब उनका एक गाना मैं जसारत करूँगा। बहुत खूब, और क्या ये माइक उतर गया, सॉरी जी। क्या बात है, मौसम बात तो बेईमान था, लेकिन वो जितनी उन्होंने खतरनाक हवाएं चलाई हैं। अच्छा, इसमें है ना, आपने मौसम को इतना वो बना दिया कि हम डरने लगे, यही कोई और मैं एटीवी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। यकीन करें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी जगहों पे इस तरह के अच्छे
और कैसा है, अच्छे म्यूजिशियन नहीं होते हैं इतने माशाल्लाह मैच्योर, इतने बारीक और समझने वाले फौरन से। और आप देखिए एक्टिव कितने हैं, इन्वॉल्व है, ये सबसे बड़ी बात है, कोई सुस्त नहीं है, कोई लोग सुस्त भी कोई सुस्त नहीं, वो एक्यूरेट टाइम पे हवाएं भी चला रहे हैं, हर चीज में इन्वॉल्व है, हमारे हमें लाफ्टर भी दे रहे हैं, पब्लिक की जरूरत नहीं है, वो जो किराए की औरतें आती हैं उससे बेहतर है। अरे आपने बता दिया सबको वो किराए के होते हैं, ये कहती है बहुत सच बोलती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। अच्छा, इतनी सारी जो है आपने मूवीज में भी एक्ट किया है, आपने थिएटर भी किया है, आपने जो कॉमेडी भी किया, सीरियस रोल्स भी किया, रेडियो भी किया है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा जिसमें मजा आया, सबसे आपने फील किया? देखो 50-50 में तो मैंने 107 गेटअप किए और बहुत जबरदस्त, यानी पाकिस्तान में शायद ही किसी ने किया हो, अगर मैं कहीं बाहर होती तो शायद गिनीज बुक वर्ल्ड में तो रिकॉर्ड होता, लेकिन यहाँ तो किसी भी रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, अक्सर जगह पे 150 गेटअप्स का लिखा है, 107, अच्छा 107, तो मुझे खुद जाती तौर पे थिएटर में बहुत मजा आया। अच्छा, क्योंकि उसमें लाइव होता है, जैसे ये फर्क है, अभी हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका उस वक्त ही हमें रिजल्ट मिलता है, उसका बहुत मजा आता है। जैसे आप ताजा खाने को एंजॉय करते हैं ना, और फ्रीज में निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करो, उसका टाइम लग जाता है। सही बात है। तो आजकल आप थिएटर देखते हैं इतना, मुझे लगता है बहुत चेंज हो गया है। मैं बड़ी दिल बर्दाश्ता होके थिएटर से हटी, क्योंकि मुझे ठुमके नहीं लगाने आता। थिएटर को किसने खराब किया मुझे बताए, एक जमाना अल्लाह जाने वक्त ने किया या उन लोगों ने किया जिनको ज्यादा पैसे मिल रहे हो। हमेशा बुराई जो होती है ना, उसका कोई ना कोई एक होता है सिम्पटम, लेकिन ये कि आप जो बुराई और फिर फैलती बहुत जल्दी है। आप देखें कराची का भी थिएटर, लाहौर का भी थिएटर एकदम से चेंज हुआ, वरना लाहौर में हम अलहमरा हॉल में जब थिएटर करते थे तो थिएटर करने का इतना मजा आता था, और लोग फैमिलीज देख, मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स की फेवरेट आउटिंग होती थी जी, हम लाहौर जा रहे, कोई डांस और कोई गाना नहीं होता था उसमें, कोई डांस कोई गाना कुछ भी नहीं होता था। पता नहीं ये किसने ऐसा मर्ज डाल दिया कि अभी तक उसका इलाज मुझे तो वो हम जैसे लोग सुहेल देखें, वो इतना थिएटर का मेरे सामने लाहौर में जब वो आया इंट्रोड्यूस हुआ तो वो इतना अच्छा एक्टर, ऐसे लोगों ने फिर ये हुआ कि खुद पीछे हट गए कि वो कुछ कर नहीं सकते थे ना, बिल्कुल। तो आज भी दिल चाहता है थिएटर करने के लिए कि अच्छा थिएटर हो, हम करें। हाँ, दुनिया में जहाँ जाते हैं हम लोग, अगर कोई ऐसा ग्रुप हमारा होता है, हम जाते हैं परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ डांस नहीं होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो प्योर कहानी होती है और लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, सिचुएशन कॉमेडी को। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी ये चाहे कि जी ड्रामे में डांस हो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल पता नहीं। वो थिएटर तो नहीं है ना, मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो एक इंटरव्यू याद है सुहेल साहब का, उनसे कोई पूछ रहा कि ये थिएटर ये नया नया तब जो है ना ये आया था और मेरे पेरेंट्स ने भी जाना छोड़ दिया, एंड माय मदर इज टॉकिंग अबाउट इट, वो कहती है कि उनसे पूछा गया कि मतलब ये थिएटर इस तरह का क्यों हो गया, फैमिलीज नहीं देखने आती हैं और इसके अंदर जो है ना आप लोग आप लिखते हैं, क्योंकि वो लिखते भी थे, तो कहते मैं तो थिएटर ठीक लिखता हूँ लेकिन मुझे लगता है मुझे एक चादर पकड़ने की जिम्मेदारी भी उठा लेनी चाहिए कि जैसा ही कुछ इस तरह का हो तो मैं भाग के चादर सामने कर दूँ ऑडियंस के, कि मेरे हाथ में तो और कुछ नहीं रहा। तो आई थिंक सो सारा कुछ जो है टाइम के साथ, जैसे फिल्में चेंज हुई हट जाता है कि जब अच्छी चीज नहीं है, सुहेल भी फिर टेलीविजन ही की तरफ, टेलीविजन के साथ, और उसने थिएटर, वरना इतना अच्छा थिएटर, मैंने खुद कवि खान साहब के साथ, खयाम सरहदी साहब, ये लोग ऐसा थिएटर करते थे, इरफान खुसर साहब, कि क्या थिएटर होता था, और हम लोग इतना एंजॉय कर, अगर थप्पड़ भी मारा जाए तो ओरिजिनल मारा जाता था, और ओरिजिनल, और अगर इस ये अलहमरा का जिस तरह का उन्होंने स्टेज बनाया, अगर मुझे यहाँ थप्पड़ पड़ता था तो मैं बिल्कुल घिसट के वहाँ तक जाती थी और वहाँ तक क्लैप हो रही होती थी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। छोटी सी एक ब्रेक के टाइम हुआ है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, छोटी सी ब्रेक के टाइम, ये जहाँ इंजन किसी का स्टार्ट हो आप लोग वहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ये जैगम साहब से बड़ा शिकवा है हमें, छोटी सी ब्रेक के बाद भाग के आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमारी इतने मजे की गप्पे लग रही होती, मैं तो भी बता रही थी ना कि आपके आने से हमारे पास बिजनेस आ गया, आज कमर्शियल भी ज्यादा हो गए। अच्छा सही है ना, ठीक है, अच्छा, आप, खुशी की बात है, आपको रोज बुलाना चाहिए, हाँ, ठीक है, हमारा चैनल भी खुश रहेगा। और मैं एक शेयर इनके लिए इसी बात पे कहना चाहूंगा कि आप आ जाए तो हमको भी यकीन हो जाए, आप आ जाए तो हमको भी यकीन हो जाए, वरना सुनते ही रहेंगे कि बाहर आई है। हमें आज यकीन हो गया, हमें आज। और आपके शेर के जवाब में मैं कहूंगी कि अपनों के फरेब मुसलसल के बावजूद
अपनों के फरेब मुसलसल के बावजूद खिंचता है दिल खुलूस की आवाज़ पर अभी। वाह वाह, क्या बात जबरदस्ती, बहुत जबरदस्त। हमारी फील्ड बहुत ऐसी है कि मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ और है। बहुत सारी ऐसी बातें लोगों के पीछे बना दी जाती हैं कि वो आदमी हैरान होता है सोच के कि यार ये मैंने कब किया। अच्छा, आपने कैसे रखा, आपका माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हर कोई जितने भी हमारी इंडस्ट्री में होते हैं, आप तो खैर बहुत ही ज़्यादा क्योंकि हर किसी के पास ही जो है पब्लिश करने का टूल आ गया है सोशल मीडिया, लेकिन आपकी जब भी हिस्ट्री देखते हैं जो कुछ भी, तो इट्स वेरी क्लियर माशाल्लाह। कोई कभी कोई बात नहीं हुई, कोई इस तरह का स्कैंडल, कोई कुछ भी नहीं बना। मैं आपको बता रही थी ना कि हर बेटी पे ये फर्ज होता है कि उसने अपने पीछे पूरे खानदान को लेके चलना होता है। बिल्कुल। तो अगर वो बेटी ये सोचे कि मैं जिस भी फील्ड में हूँ, एक्टिंग नहीं, आप बैंक में हो, आप एयर होस्टेस हो, आप कहीं भी हो, अगर आप ये सोच के घर से निकलोगे कि मुझे मेरे पूरी फैमिली की मैं जवाब दे और मेरी पूरी फैमिली मेरे एक पे जवाब दे, तो आप बहुत जिम्मेदारी महसूस करोगे। तो ये जो सारे लोग कहते हैं मीडिया में बड़ा मुश्किल है जी, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। मैं समझती हूँ मीडिया में जितने हम महफूज हैं शायद ही किसी शोबे में लड़कियां महफूज हों, शायद तुम और मैं इस बात की गवाही देंगे। मैं तो सबको बताती हूँ, अगर मैं नहीं चाहूँ मेरे कोई करीब भी नहीं आ सकता। और अब हम यहाँ जितने लोगों में बैठे होते हैं, ये जितने मर्द हैं, ये हमारे लिए हमारी फैमिली से भी ज्यादा मोहतबर होते हैं, ये हमारी इज्जत भी करते हैं, हमें मोहब्बत भी करते हैं और हमें तहफ्फुज भी देते हैं। अल्लाह ना करे हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम सबसे पहले ये लोग आके हमें संभालते हैं। फिर कैसे कोई कहता है, अगर मैं खुद अपने करेक्टर में अच्छी हूँ तो कैसे कोई मुझे गलत कर सकता है। अगर मैं खुद गलत होंगी तो अगला तो मर्द है, फिर तो वो कहेंगे ठीक है ये तो ऐसी खातून है, फिर वो कौन इज्जत करेगा। इज्जत कमाई जाती है, बनाई जाती है। आप किसी को इज्जत करने पे मजबूर करें तो दुनिया का बदतरीन आदमी भी आपकी इज्जत करेगा। ये सोचेगा ये औरत गलत नहीं है तो आप उसको बदतरीन नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको इतना सेंस होगा कि किरदार अच्छा है तो खातून की इज्जत होगी। और हमारी फील्ड में बहुत सारी ऐसी खवातीन है माशाल्लाह, फिल्म से लेके टेलीविजन से थिएटर से रेडियो में बहुत उन्होंने इज्जत कमाई शोहरत के साथ साथ। और ये इज्जत कमाने के लिए थोड़ा सा अपनी जान फिशानी करनी पड़ती है, करनी क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट कमाने पे लग जाओ तो बहुत सारी चीजें फिर खो जाती है। बिल्कुल, कितनी सही बात, इज्जत और नोट कमाने में बड़ा फर्क बहुत है। और वो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं अगर आपने इतना वो रहना है कि हर चीज को इनकार करना है और बड़ा संभल के चलना पड़ता है ना, उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी खो जाती है, आप छोड़ना पड़ता है आपको वो सारा काम, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो वो कहते नहीं फिर आप रह जाए, आप ड्रामे के करेक्टर देख ले, ऐसे ऐसे करेक्टर आते हैं हम नहीं करना चाहते तो मना कर देते हैं क्योंकि हम फ्रीलांसर है ना, तो वो उसमें ये होता है कि नहीं यार हमने ये नहीं करना, ये चीज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये किरदार करो, कई दफा होता है कि अब जैसे मेरी बड़ी फेवरेटिज्म है, लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैंने मुझे बड़ा शौक था मैं सीरियस ड्रामा करूं। अच्छा। तो मैंने बड़ी फरमाइश करके एक सीरियस प्ले किया, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो मजार है उसका इफ्तिताह हो रहा था दोबारा जो बनाया, तो वहाँ परवेज मुशर्रफ साहब मुझे मिले। अच्छा। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुझसे कह रहे हैं भाई आप दुखी काम नहीं करें, हमें रुलाने वाले बहुत हैं, आप लोग ना रुलाएं। अच्छा, हंसाना मुश्किल है ज्यादा। हाँ, लोगों की मोहब्बतें और लोगों की एक्सपेक्टेशन आर्टिस्ट हो जाती है, क्योंकि हम उनके ड्राइंग रूम में, हम उनके बेडरूम में मौजूद होते हैं, तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं जैसे अपनी फैमिली वालों से प्यार होता है, तो वो हमारी किसी भी बुरी अदा को बड़ा माइंड करते हैं। इवन के कोई करेक्टर भी ऐसा करे ना हम लोग, तो वो ये कहते हैं कि यार आपने ये क्यों किया, क्यों किया, ऐसा लगता है हम उनका सरमाया है या उनके घर में रहने वाले हैं, तो वो इतने खफा हो जाते हैं। बाकायदा रास्ते में मिल गए, एयरपोर्ट पे मिल गए, यार आपने वो बहुत बुरा करेक्टर, आपको नहीं करना हम लोगों के लिए वो लोग बहुत बड़ी दौलत है, हमें प्यार करने वाले। और मेरी तो सोच ये है कि मैं बस चलते फिरते अल्लाह के पास जाऊँ, मुझे जो अल्लाह रब्बे करीम ने इतनी इज्जत और प्यार वाली जिंदगी दी है, मेरी मौत भी इसी तरह इज्जत वाली और प्यार वाली हो, और मैं इसी को संभाल के चलती हूँ। आपको जिंदगी दे, हम क्यों मौत की बात करें, आपको जिंदगी दे, आप हमारे साथ चलो बेटा। हमारा दीन जो है वो कहता है जिंदगी है, रोजाना अपनी मौत को जरूर याद करें, क्योंकि जब हम अपनी मौत को याद करते हैं ना तो हम बहुत सारी बुराइयों से भी बचते हैं। मौत को याद करने से मौत आ नहीं जाती, मौत हमारे साथ चल रही है, जब वक्त आएगा उसमें हमें लेके जाना है, और जब जिस कब्र में जाना है ना वहाँ ये पैसा, ये शोहरत, ये इज्जत कुछ भी काम नहीं आएगा। अच्छे अमाल ना करने से मैंने नहीं सोचना इस बारे में, अभी हमारी रोज यही कोशिश होती है कि हम वो दिन अच्छे से गुजारें। देखो मीडिया जो है ना, मीडिया हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं
हमारे इन दोस्तों को, साथियों को, मीडिया को, तो उनको ये जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि मीडिया पे रहने वाले भी अपने दीन को भी समझते हैं, अपनी खबर को भी समझते हैं। हम बिल्कुल गुमराहों में नहीं है। लोग समझते हैं ना कि एक्टर बहुत गुमराह होते हैं, उनको तो कोई ना मौत का पता है, ना उनको अल्लाह का पता है, ना रसूल का पता है। तो उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं कि हमें भी आपकी तरह अल्लाह का भी पता है, रसूल का भी पता है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह के आगे झुकते हैं और उसी से मांगते हैं। तो हमें अपनी मौत को याद करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दिन वापस जाना है। ये लाइट है, ये सब बुझ जाएंगी, ये शोहरत, ये इज्जत सब खत्म हो जाएगी। फिर वो जो अंधेरी कवर है उसमें बहुत सारे जवाब देने होंगे। तो हमें ये पता है, तो ये चीजें हमारे मीडिया के जरिए लोगों को ये होना चाहिए कि हमें भी अवेयरनेस है, अपने आप को इन चेक रखना है आपने, कि आप जो भी कर रहे हैं, कि हम लोग शोबिज में काम कर रहे हैं तो हम लोग अधाधुंध है, बिल्कुल हमें किसी बात का पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझते हैं अपने आप को। कुछ लोग अगर गुमराह हो तो वो तो हर जगह और हर माशरे में होते हैं। हाँ। तो कोई बात नहीं, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। हिदायत है, बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं आपको जाने दूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, और लेकिन हम आपको बार बार दावत देते रहेंगे, हम आपको बुलाते रहेंगे। जैसे सबको कहते हैं, हम आपको तंग करते रहेंगे, हमारा प्यार है। मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ, मैं ए प्लस को इतना प्यार क्यों करती हूँ ये बता दूं। चैनल सब मुझे, ए टीवी, सॉरी, ए प्लस लाहौर है ना, तो है तो यही था ना, दोनों बहन ही है। तो असल में पता है क्या, ये जो टेलीविजन है ना, ये बगैर एंटीने के दुनिया मतलब पाकिस्तान में नजर आता है। तो हमें वो लोग देखते हैं जिनके पास बहुत सारे मशहूर चैनल नहीं है, तो वो ये टेलीविजन देखते हैं और हमें बहुत करीब महसूस करते हैं। तो इस तरह मेरा पाकिस्तान के हर हर घर में रابطہ होता है, जहाँ जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते केबल टीवी को ना, तो वहाँ हम जाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ आऊँ, लोगों से मिलूँ, उनसे बात करूँ। मैं किसी को कहती हूँ, मैं कहती हूँ एटीवी जो है ना, वो सबका मायका है। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाएं, जहाँ मर्जी काम कर लें, लेकिन आपका जो घर है ना वो एटीवी है। आपके पास एरियल नहीं भी है तो आपके घर में यहाँ जरूर आना है, ठीक है? और मैं, मेरे से बात होनी है, तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा दावत दूंगी। नहीं, जब बुलाएगी मैं मेरे, मैं हमेशा कहती हूँ सच्चे और अच्छे गेस्ट मेरे फेवरेट गेस्ट होते हैं, स्पेशली जो नो फिल्टर वाले गेस्ट होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे लिए एक ऑनर है कि मेरी आज आपसे मुलाकात। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, रेहान का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे तलाश किया कि मैं इस्लामाबाद पे रहूं। बिल्कुल, उसके पास गूगल का कोई बहुत ही जादूगर मैप है, वो सीक्रेट अगर हमें मिल जाए ना तो बड़ी हेल्प हो जाए हम लोगों की। थैंक यू सो मच, थैंक यू अली। आपको जाने से पहले एक दफा दोबारा मैं जहमत दूंगी कि आप हमें कुछ सुनाएंगे। थैंक यू सो मच, रिक्वेस्ट करूंगी, आप इतने सुरीले हैं माशाल्लाह, क्योंकि बहुत कम हमारे गुलकार होते हैं। गाने तो सब गा लेते हैं, कैसेट पे भी मुंह हिला लेते हैं, लेकिन सुर होना बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह आपके पास सुर है। आप सज्जाद अली टाइप के भी कुछ गीत निकाले, सज्जाद के गीत बहुत कमाल सुरीले गीत। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज मैं फैसलाबाद से हूँ, नुसरत फतेह अली जी, और फैसलाबाद की मिट्टी में सुर है। सुर है बिल्कुल, सुर भी और छेड़छाड़ भी बहुत। और आप जी, आप यकीन करें, अभी जो आपने बात की, आपने मुझे देखे ऑन सेट छेड़ा था गाना गा, बिहाइंड द कैमरा मैंने जो आपको देखा, अभी आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू में सुन रहा था। आप यकीन करें, आपने अभी बात की वर्ल्ड बुक की, के नाम नहीं है उसमें, आपका जिस किताब पे नाम है वो दिलों की किताब, आप लोगों के दिलों की किताब पे आप आप जैसी हैं माशाल्लाह। तो जी, मैं इस वक्त खान साहब नुसरत जी का एक गाना, सानू एक पल चैन तेरे बिना, मेरा फेवरेट है। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म जो है वो चलते हैं, जिसके अंदर हम विमेन राइट्स पे बात करते हैं, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है रिगार्डिंग जितनी भी एडिशंस हो रही हैं लॉ में, या जो लॉ बना है, जिस तरह भी खवातीन को मजीद प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर जो एक्टिविज्म होता है, इस पर बातचीत होती है, और ये 16 डेज होती हैं। एट द एंड ऑफ द 16 डेज जो है ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कल था, और उसी से रिलेटेड आज हमारे पास जो है वो गेस्ट भी तशरीफ लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं फयाज अहमद, ही इज रीजनल एडवाइजर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर शुएब खान, ही इज द चीफ ऑफ पार्टी हेल्थ कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? यू आर गुड? Fine, perfect. Welcome to the show. Thank you very and much. And it's an amazing initiative. So, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी सर, if you would further introduce yourself, if you'd let me know about. Thank you very much. मेरा नाम फयाज अहमद खान है और मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसके लिए काम करता हूँ। मैं पाकिस्तान में भी काम करता हूँ, इजिप्ट में भी काम करता हूँ, और रीजन के दूसरे इलाकों में भी। हमारा फोकस जो है वो है हेल्थ कम्युनिकेशन,
हम कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देकर उनको एजुकेट करके बिहेवियर्स को बदलना चाहते हैं, और वो बिहेवियर चाहे हेल्थ का हो, वो बिहेवियर चाहे जेंडर का हो, वो बिहेवियर चाहे हमारी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, हम उस पर काम करते हैं जी। I'll further ask you what this gender based violence जो हम ये वर्ड सुनते हैं ये है क्या? What is this fancy word that we are hearing? Sir. मेरा नाम डॉक्टर शोएब खान है और मैं इस वक्त चीफ ऑफ पार्टी हूँ। USAID MCH प्रोग्राम का एक हेल्थ कम्युनिकेशन कंपोनेंट है, उसका मैं चीफ ऑफ पार्टी हूँ। और मैं जिस तरह से फयाज साहब ने थोड़ा सी डिटेल बता दी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कम्युनिकेशन, मेरा ताल्लुक भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से। ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रही है। बेसिकली USAID का एक प्रोजेक्ट है सिंध में जो चल रहा है, USAID MCH प्रोग्राम, USAID मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। उसका जो हेल्थ कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है वो हम डील कर रहे हैं। हमारे अलावा चार और कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट और काम कर रहे हैं, जिसमें सर्विस डिलीवरी, फैमिली प्लानिंग है, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। बट हेल्थ स्पेसिफिकली आप उसे डील कर रहे हैं? हेल्थ कम्युनिकेशन, हेल्थ कम्युनिकेशन, ओके। हेल्थ कम्युनिकेशन जिस तरह से फयाज साहब ने बताया कि हम कैसे लोगों के रवैयों में तब्दीली लेके आ सकते हैं टुवर्ड्स मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो क्योंकि मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में मेटरनल डेथ और न्यूनेटल एंड चाइल्ड, जितनी भी ये अमवात हो रही हैं, इसमें बिहेवियर्स का बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नाड़ू के ऊपर आम गांव देहातों में वो फजूल चीज़ें लगाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, बच्चे की डेथ। तो ये एक रवैया है, इसको ये कई नस्लों से चला जिस तरह वो गुट्टी कहते हैं उसको, क्या एग्जैक्टली वो भी जो खिला दे। तो इन रवैयों को कैसे तब्दील करना है ताकि माँ और बच्चे की सेहत को बचाया जा सके, तो ये हमारा काम है, ये आपका काम है। आई विल कम बैक टू दिस, पहले मैं चाहूंगी कि ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस को जो हम खत्म करना चाह रहे हैं, ये है क्या इस वक्त भी? व्हाट आर वी लुकिंग टुवर्ड्स, व्हाट आर वी फाइटिंग बेसिकली? जेंडर बेस्ड वायलेंस है कि देखें जेंडर क्या है। जेंडर है कि मेरा मर्द होने की वजह से या आपके खातून होने की वजह से आपको मुआशरा जो रोल देता है और जो एक्सपेक्टेशंस आपसे करता है उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं, उसको जेंडर कहते हैं। और जेंडर बेस्ड वायलेंस ये है कि उन रोल्स की वजह से आपके ऊपर अगर कोई तशद्दुद किया जाए, और वो तशद्दुद किसी भी किस्म का हो सकता है, उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली ये खवातीन पर किया जाता है, औरत सिर्फ औरत होने की वजह से बहुत सारे जबर जो है वो सहती है। ट्रू। पाकिस्तान में इसका स्केल इतना ज़्यादा है कि आगा खान यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की हर दूसरी औरत किसी ना किसी किस्म की जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती है। एक और रिसर्च के मुताबिक जो तीन हस्पतालों के गायनी वार्ड में की गई, 97% औरतों ने कहा जो बच्चा जन्ने के लिए वहां आई कि हमारे ऊपर किसी ना किसी किस्म का तशद्दुद हुआ है। 97% थ्री हॉस्पिटल्स ऑफ पाकिस्तान, दैट्स ऑलमोस्ट ऑल द विमेन, दैट्स ऑलमोस्ट ऑल द विमेन, यूनिवर्सल है। 5,000 औरतें जो हैं, देखिए ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, लेकिन एस्टीमेट्स हैं कि 5,000 पाकिस्तान में खवातीन जो हैं वो हर साल जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होकर मर जाती हैं। उन पर इस किस्म का तशद्दुद किया जाता है, वो चाहे कारोकारी है, वो चाहे ऑनर किलिंग है, वो चाहे खाविंद ने चूल्हा भड़क उठा। आज तक कोई खाविंद चूल्हे की आग से नहीं मरा, हमेशा बीवी ही मरती है। बिल्कुल। और इस तरह के जो रिलेटेड इश्यूज हैं उससे पांच, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को एक और स्टडी ने औरतों के लिए दुनिया का तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क गर्दाना है, और जो दो इससे पहले हैं उनमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा कांगो है। तो आप देख लें कि हम कहां खड़े हैं, अब आप देख लें कि हम कहां खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। वजूहात क्या है इसके, व्हाई डू यू थिंक ये अभी भी एग्जिस्ट करता है? देखें ये अभी भी इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हमारे यहाँ जो मुआशरती रवैये हैं उसमें औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है। आज से कई साल पहले मैं एक नौजवान जब होता था तो हम लेडी डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग कर रहे थे, और उस दौरान हमने उनसे पूछा कि आप एक आइडियल मर्द जो है उसकी खसूसियात लिखें।
हमने ये ट्रेनिंग तकरीबन कोई 25 बैचेस में की। हर बैच में एक चीज जो आइडियल मर्द की आई सामने वो थी कि गुस्से वाला हो। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। ये आइडियल हमारे यहाँ मुआशरे ने कंस्ट्रक्ट ऐसे कर दिया है मर्द के रोल को कि वो एक बड़ा कवि हैकल, बड़ा जबरदस्त प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, और औरत बेचारी का रोल जो है वो सिर्फ घर के अंदर बैठना और जी करना है और बच्चे पैदा करना है। जब इस बेसिक प्रेमिस के ऊपर जो है आप किसी मुआशरे की बुनियाद रखकर उसको आगे ले जाएंगे तो फिर उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ आप औरतों से जब पूछते हैं, ये जो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे जो होता है उसमें औरतों से पूछा जाता है कि मर्द को और खाविंद को बीवी को किस किस बात पे मारना जायज है। 30% कहती हैं कि अगर खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो मार दे तो कोई बात नहीं है। इसी तरह 40% के करीब गालिबन ख्वातीन कहती हैं कि अगर मर्द से आर्गुमेंट्स करेगी तो मार, जिसे वो कहते हैं ना अग्गो बोलेगी तो फिर उसको थप्पड़ मार जाएगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए ये हमारा मुआशरे ने इस तरह, ये औरतों ने खुद इस तरह की कसर। ये आइडियाज जो है ये बचपन से ही आपने डाले हैं ना अपने बच्चों में। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह आप रेज कर, जो माँ अपने बेटे को बता रही है या जो माँ अपने मियाँ से जो है वो उसके सामने या वो बच्चे जो मार खा देख रहे हैं, एग्जैक्टली वो अपने बच्चों के सामने जो भी वो चीजें चल रही। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, आई शेयर इट विद यू। आई हैड किड्स फ्रॉम वेरी प्रिविलेज स्कूल्स मेरे शो पे आए थे और काफी हमारे जो है मतलब मैं कहूँगी एलीट स्कूल्स हैं। और एक जनरल सा सवाल मैंने किया कि अच्छा बच्चों आप लोगों को लगता है कि बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए, एंड द नॉर्मल आंसर वॉज नो। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैंने कहा ये इतना मतलब अगर नो एक नॉर्मल आंसर हो सकता है तो यस क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो जो पहली बात है या जो वो जो आइडियाज, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो ड्रामे हैं, चाहे वो घर में बातें हैं, जो हम लोग सब कॉन्शियसली चीज़ें अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, वो यही है कि अ वुमन डज नॉट हैव अ राइट टू एनी थिंग जस्ट बिकॉज उसका जेंडर आपसे डिफरेंट है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग। तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें तो हमने क्लासीफाई कर दी कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाती है, इसके अंदर हेल्थ बेस्ड वायलेंस भी आ जाती है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन टू जॉब्स वगैरह भी आ जाती है, सेक्सुअल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस आ जाती है। तो इसमें जो साइबर वायलेंस है वो भी है, जो औरत की तस्वीरें जो है उसको आप किसी के भी आप जो है फेसबुक अकाउंट में, अनफॉर्चुनेटली अब हर चीज डिजिटल हो गई है। और ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली ख्वातीन के लिए कि जब भी हम ऑनलाइन कोई चीज़ डालेंगे वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक दफ़ा कोई चीज़ डाल दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल समझने की ज़रूरत, जितनी मर्जी आप साज हैं, जो मर्जी आ जाए, आपने एक दफ़ा कोई चीज़ अगर ऑनलाइन डाल दी है तो फिर आप उसको मिटा नहीं सकती हैं। लिहाजा वी हैव टू बी एक्सट्रीमली, और हमें अपनी बच्चियों को और ऑफ कोर्स लड़कों को भी एजुकेट करने की, साइबर वायलेंस इसमें डेफिनेटली है। फिर हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, वनी के जो प्रैक्टिस है, स्वारा की जो प्रैक्टिस है, बेचारी झगड़ा मर्दों में होता है। ये आजकल एक फिल्म आई है बड़ी शानदार वरना, उसका एक डायलॉग है कि मर्द की ज़हनियत आप देखें कि झगड़ा दो मर्दों के खिलाफ के दरमियान होता है, गाली माँ और बहन को दी जाती है, तेरी माँ दी और तेरी बहन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहती मॉर्निंग। हमारे बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही थी, वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स, अब हम थोड़ा सा चलते हैं हेल्थ की तरफ, जो स्पेसिफिकली आपका सेक्टर है। तो क्या मेन इश्यूज हैं जो इसमें फेस होते हैं? देखिए अभी फयाज साहब ने बहुत खूबसूरती से आपको जेंडर के बारे में बताया, बट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि ये आपने टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा। आप सुन सकती हैं जी कि जेंडर इश्यूज की वजह से किसी पे क्या जुल्म हुआ, किसी को कत्ल कर दिया गया, ये खबरें आप, मगर अनगिनत माओं और बच्चों की अमवात होती हैं बिकॉज ऑफ जेंडर इश्यूज जो सरफेस होती नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक माँ जो प्रेग्नेंट हो गई है, उसने एंटीनेटल चेकअप अपने करवाने, मिनिमम 4 दफ़ा उसने चेकअप करवाना है ताकि कोई पेचीदगी अगर पैदा हो इस हमल के दौरान जिसकी वजह से माँ या बच्चे की मौत वाकया हो सकती है।
तो इन चार चेकअप्स में उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया जा सकता है। मगर ये औरत के बस में नहीं है कि वो जाके एक क्वालिफाइड जो अटेंडेंट है उससे जाके अपना चेकअप करवा सके। बिल्कुल। घर में अगर मर्द नहीं है से 2 महीने 3 महीने की तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। बिल्कुल। घर का मर्द ने जब तक परमिशन नहीं वो जा नहीं सकती। बिल्कुल। या दूसरी बहुत कम वक्फे से प्रेगनेंसीज होने से बहुत सारी अमवात हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर अर्ली एज में हाँ, तो चाइल्ड मैरिजेस का इतना इशू है। एग्जैक्टली तो वो अगर उसने को फैमिली प्लानिंग करनी है तो मियां की इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकती। बिल्कुल। उसके पास डिसीजन की पावर ही नहीं है। और आपसे कोई कॉन्ट्रासेप्शन की खुदा ना खास्ता बात कर ले तो वो तो एक अलग टैबू है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। दूसरे पॉइंट इसी हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ पे हम जेंडर राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात हमें करनी जरूरी है। Definitely. कि आज की औरत जो जेंडर इश्यूज की वजह से जेंडर बायस की वजह से जिसने सफर किया बिल्कुल वो अपनी बेटियों को उससे बचा सकती है। Definitely. मगर वही माँ वो अपनी बेटियों के साथ भी वही सलूक करती है जो उसके साथ हो रहा है। उनको तरबियत भी वैसी दे। वो माँ 14 साल या 12 साल की उम्र में क्यों शादी कर रही है जो उसके साथ हुआ है और वो समझती है कि उसके साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं और हमारा फिर जो वो अपने बेटों को भी वैसा बड़ा exactly. कह रही है कि अगर उसकी बहू बात नहीं सुन रही तो बेटे को जाके कहे कि एक से पेड़ लगाओ उसको। exactly. सीधी हो जाएगी। तो ये सारे इश्यूज बहुत प्रेवेलेंट हैं। बिल्कुल। हमारा जो यूएसएड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसमें जब हमने ये काम शुरू किया तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 4-5 और भी कंपोनेंट्स हैं इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो तो उसके लिए फिर हमने एक जेंडर स्ट्रेटजी बनाई जेंडर मेन स्ट्रीमिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल ताकि हम अपने अंदर पहले इसको लेके आ सके फिर हम जाके कम्युनिटी के अंदर। तो उसके बाद फिर हमने कम्युनिटी के अंदर काम शुरू किया उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो लोग हमारे कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं हमने उनको ट्रेन किया कि कैसे जेंडर इश्यूज आपने लोगों के रवैयों में तब्दीली लेके आनी है कि वो इन जेंडर इश्यूज पे काबू पा सके इनको कंट्रोल कर सके। हमने अपने लोगों को पहले एक वर्क फोर्स को ट्रेन किया उसके बाद फिर हमने कम्युनिटी लेवल पे काम शुरू किया। हमने इसमें एक जेंडर डायलॉग टूल किट बनाई क्योंकि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर किसी रवैये को आपने तब्दील करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस इशू को जिस इशू को आपने चेंज करना है रवैये का जिस इशू के बारे में उस इशू को आप डिस्कशंस में डाल लोग उसको पे बात करना शुरू कर। अब हमारे यहाँ क्या है हमारे घरों में बैठ के सवाल ही नहीं पैदा होता कि मियाँ बीवी घर में बैठ के अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के फैमिली प्लानिंग की बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि डिस्कशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इस चैनल पे राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड अ डिस्कशन। हमने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे आपको लगा होगा कि शायद ये क्यों किया, ये क्या कहा, ये कैसी बात कर दी, लेकिन अगर आप ये जाके किसी से डिस्कस करेंगे यही हमारा मकसद है, उसी से बातचीत शुरू होती है और फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। दिस वॉज इन रिगार्डिंग टू कल जो ह्यूमन राइट्स डे था वो मनाया गया और आज हम इसी के ऊपर बात करें। वी वॉन्ट कि डिस्कशन स्टार्ट हो, एटीट्यूड चेंज हो, रवैये चेंज हो और फिर हमारे माशरे में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। थैंक यू अगैन फॉर बींग हियर, यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब, गुड लक एंड आई होप दैट आई विल बी सीइंग यू हियर अगैन फॉर अ लॉन्गर पीरियड इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह हमारी ख़वातीन और मर्द दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी हमेशा ही दुआ होती है आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।